राम राम जी। आज आप लोगों का स्वागत है राजा जी के ढाबा में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे बड़ी वाली सेम की सब्जी। हमने कभी नहीं बनाया है, वैसे तो नॉर्मली सेम की तरह बनता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे खेत में हुआ पड़ा है, तो उसको तोड़ के हम बनाएंगे ताकि आप भी उसको इस तरीके से बना सकें। तो चलिए सेम तोड़ देते हैं। तो ये देखिए, सेम का पौधा लगा पड़ा है। अरे बहुत, अभी तो इसमें बहुत फला हुआ है। ये देखिए, देख रहे हैं, यहाँ भी फला हुआ है, इसके ऊपर भी फला हुआ है। इसको थोड़ा नीचे करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, बहुत सारा सेम तो अभी भी फला हुआ है और बहुत इसका हम लोग तोड़ के सब्जी ही बना दिए हैं। तो लेकिन हम लोग सोचे थे कि अब लास्ट बचा हुआ है, तो कम से कम आप लोग के लिए ही बताएं बनाएं। तो ये वैसे तो ये बहुत ज़्यादा सेम है, तो थोड़ा अपना जितना हम लोग सब्जी हम लोग खाने भर का है उसको हम लोग तोड़ देते हैं। तो इतना ही में हम लोग का हो जाएगा, लेकिन एक सेम और दे देते हैं हम। ये देखिए, तो इसको रख देते हैं और लेके चलते हैं, इसको काटेंगे। तो जो छोटा होता है उसको सेम बोलते हैं, जो बड़ा होता है उसको सेमा बोलते हैं। तो हम लोग के यहाँ इसको सेमा बोलते हैं, आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं जरूर बताइएगा। और इसके साथ दो आलू हम लिए हैं, थोड़ा आलू के साथ बढ़िया लगता है। अगर आपके पास सेम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो बिना आलू डाले ही बना सकते हैं, लेकिन घर में होता है कि कोई बच्चे सेम नहीं खाते हैं, तो आलू बना है तो उसमें से आलू उसको निकाल कर दे देते हैं। और इसमें हम मसाला क्या डालेंगे, हम लोग स्पेशल मसाला बनाते हैं, वो आपको दिखा देते हैं। मसाले में हम लिए हैं 1 टीस्पून जीरा और 15 से 20 काली मिर्च। यहाँ पे 1 टेबल स्पून हम सरसों लिए हैं, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लिए हैं। यहाँ पे हरी मिर्च है ये 4, मतलब ये लाल हो गया है अभी। और यहीं पे हम 4-5 लाल मिर्च भी लिए हैं। 1 गांठ लहसुन का लिए हैं। इन सारे मसाले को हम पीस लेंगे इसमें डालने के लिए। इससे पहले हम इसको काट देते हैं, तो सेम को हम काट देते हैं, इसका रेशा निकाल देंगे इस तरह से, जैसे छोटा सेमों में हम निकालते हैं उसी तरह से रेशा इसमें भी होता है। अगर पीछे है तो पीछे भी हम निकाल देंगे रेशा। तो इसको हम काट देते हैं अब, तो इसको बीचों बीच हम फाड़ेंगे, तो बीचों बीच हम इसको फाड़ देंगे इस तरह से। सारा बीज इसका कट गया है, देख सकते हैं। तो इससे बढ़िया है ये सारा बीजों में भी मसाला चला जाएगा। अब इसको हम पतला पतला करके काटेंगे, लेकिन रेशा को निकालते रहेंगे। ये देखिए, पतला काटेंगे और रेशा को निकालते रहेंगे इस तरह से। जहाँ रेशा नहीं निकल रहा है उसका मतलब कि रेशा पहले ही हम छील दिए हैं, कभी कहीं छूट रहा है तो उसको आप निकाल लें। तो एक सेम को हम काट दिए हैं और दूसरा को भी काट देते हैं। तो इस तरह से आप छील के ही बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो हल्का फुल्का रेशा जो आ रहा है ऊपर का मुंह में आएगा, वो नहीं आएगा, गुद्दा गुद्दा ही आएगा। और इसको बढ़िया से छील के और फिर आप पीस पीस कर सकते हैं इसका इस तरह से। ज़्यादा मोटा मोटा नहीं काटे, पतला पतला काटेंगे तो बढ़िया से मसाला इसमें आ जाएगा। तो हम काट दिए हैं, अब आलू भी छील देते हैं और इसको भी काट देते हैं। आलू हम कम ही डालेंगे, एक ही डाल रहे हैं। जो इस तरह का हम बड़ा बड़ा सेम जो हम लोग बो रखे हैं, ये आपके यहाँ होता है कि नहीं होता ये बताइएगा, और इस मसाले से ज़रूर बनाइएगा। अगर आपके पास ऐसा सेम नहीं हो तो जो छोटा सेम भी आता है उसको भी इसी तरह के मसाले से आप बनाइएगा, बढ़िया बहुत बनता है। चावल रोटी पराठा किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो आलू भी हम छोटा छोटा काट दिए हैं, अब इसको धो देते हैं। चूल्हा जला दिए हैं और इसी पर कढ़ाई रख देते हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है, इसी में हम 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है तो यहीं पे हम 1/4 टीस्पून या थोड़ा सा, मतलब 20-30 दाना मेथी का डालेंगे
और यहीं पे दो तेजपात भी डालेंगे। जहाँ पे हम मेथी का तड़का मारते हैं, आप चाहे तो जीरा भी मार सकते हैं, वो भी टेस्टी होता है उसका भी तड़का। तो तड़का हमारा तड़क गया है, तो जो हम सेम आलू धो रखे हैं वो भी डाल देते हैं यहीं पे। इसको चला देंगे और आँच धीरे रखेंगे। जब तक हमारा ये सब्जी भून रहा है तब तक हम मसाला पीस देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे और फिर इसको पीसेंगे। मसाला पीस गया है तो इसको उठा देते हैं। तो देखिए हमारा सेमा की सब्जी कितना बढ़िया भून गया है, एकदम बिल्कुल लाल हो गया है। तो यहीं पे हम डाल देंगे मसाले, जो हमने मसाले पीस रखे थे ये डाल देते हैं। सारे मसाले तो हमने पीस लिए हैं, लेकिन हल्दी नहीं इसमें था तो हल्दी डालना पड़ेगा। आधा टीस्पून हल्दी डाल देते हैं और स्वाद अनुसार नमक या एक टीस्पून नमक, और इसको एक बार चला देंगे। और चला के ज़्यादा देर नहीं, एक दो मिनट मसालों के साथ इसको भूनेंगे, उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। जिस कटोरी में हमने मसाला पीस रखा था उसी में हम डालेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आधा गिलास पानी। ये तरी वाली सब्जी नहीं बनती है, ये सूखाई सब्जी बढ़िया लगता है खाने में। तो इसको डाल देते हैं और इसको एक बार हम चला देंगे इस तरह से। आँच धीरे रखेंगे और इसको ढक के हम पका लेंगे। इसको ढक देते हैं, चार पाँच मिनट ढक के हम पकाएंगे। हमारा सेमा भी सीन जाएगा, पक जाएगा बढ़िया से। तो 5-6 मिनट हो गया है सब्जी को पकते। अब देखिए इसमें से पानी बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, अब ये लटपट सब्जी बनी हुई है। तो अब सर्व करके आपको दिखाते हैं। आप चाहे तो इसमें धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जी निकाल देते हैं। तो हमने पहले से ही पराठा बना रखा था, ये भी यहाँ सर्व कर दिए। इसको रोटी पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं, और हमने यहाँ मूली भी काट रखा है सलाद के लिए। तो ये हमारा आलू सेमा की सब्जी आपको कैसी लगी? अगर बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें फेसबुक पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हमें और कौन कौन सी रेसिपी आप लोगों के लिए बनाना है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और आपका पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी। तो सबसे पहले आप लोग के लिए पराठे और आलू सेमा की सब्जी। इसको चूस चूस के खाना है, देखिए रेशा बस अंदर से निकलेगा। जैसे हम कोंच की सब्जी आपको बताए थे उसी तरह से सेम है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये।